कश्मीर में 20 नए पॉजिटिव मामलों के साथ जम्मू कश्मीर में संक्रमितों की संख्या 566 पर हुई। कश्मीर संभाग में कुल संक्रमित मामलों की संख्या 513 है। मरने वालों का आंकड़ा 8 पर पहुंचा। सोपुर सड़क हादसे में एक नाबालिग समेत परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल। अचानक वाहन से नियंत्रण खो बैठने के कारण सड़क से उतरते ही गाड़ी पलट गई। कोटा राजस्थान से घाटी पहुंचे छात्रों को क्वारंटाइन किया गया। जांच पूरी होने पर घर भेजा जाएगा। कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन केंद्र में रखे गए इन छात्रों की आवश्यकता व जरूरतों पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन ने एक नोडल अधिकारी और मजिस्ट्रेट भी किया नियुक्त। पाकिस्तान ने फिर की नापाक हरकत। जम्मू संभाग के जिला पुंछ के शाहपुर केरनी सेक्टर और कस्बा सेक्टर्स पे की गोलाबारी और मोर्टार शेलिंग। वहीं भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर में पूर्ण लॉकडाउन चल रहा है। इसी के मद्देनजर पुलिस फ्रंटलाइन योद्धाओं ने मोबाइल वैन के जरिए लोगों को कर रहे जागरूक। घर में रहने और लॉकडाउन का पालन करने का दे रहे हैं संदेश। जम्मू के सब्जी मंडी में दिखी भीड़। लोग खरीद रहे सब्जियां। पुलिस द्वारा रखी जा रही नजर। फेस मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने के दे रहे निर्देश। जम्मू के वार्ड नंबर 50-51 के सफाई कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा, महामारी के दौरान फ्रंटलाइन पे जान जोखिम में डालकर कर रहे काम पर हमारी कॉरपोरेशन द्वारा हो रही अनदेखी। काम के ग्लव्स और अन्य सब चीजें हैं बेकार। कॉरपोरेशन में है करप्शन का बोलबाला। जम्मू के कलाकारों द्वारा वेश बदल कर किया जा रहा लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का संदेश। घर पर रहें और सुरक्षित रहें। सुनील डिंपल द्वारा प्रेस वार्ता कर सरकार का किया विरोध। उनका आरोप, जेएनके के लोगों के साथ किया जा रहा भेदभाव। 4G सर्विस करे लागू। जम्मू कश्मीर बैंक कैंसिलेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट। नॉन रेवोकेशन ऑफ SRO 202। टोल टैक्स बंद। प्लाजा पर हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन। जम्मू में वार्ड नंबर 52 के कॉरपोरेटर अजय गुप्ता ने लॉकडाउन के दौरान फ्रंटलाइन योद्धाओं, पुलिस और सफाई कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर देकर किया सम्मानित। जीएमसी डॉक्टरों द्वारा पुलिस का किया गया धन्यवाद। कहा, लॉकडाउन अगर सफल हो रहा तो पुलिस का है बहुत बड़ा योगदान। उन्होंने कहा, पुलिस की ऐसी सपोर्ट रही जारी तो डॉक्टर्स मिलकर जीतेंगे कोरोना की लड़ाई। इंडिया फाइट्स कोरोना के बैनर के तले जम्मू कश्मीर पुलिस पुंछ द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ को किया गया सम्मानित। कश्मीर घाटी में भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ में चडोरा बटगांव में 2 बहनें गाय चराते वक्त आई बाढ़ की चपेट में, दोनों की मौत। जम्मू के बाल निकेतन आश्रम में बच्चों का रखा जा रहा खास ख्याल। लॉकडाउन में नियमों का पालन कर रहे हैं बच्चे। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या में 1055 की बढ़ोतरी। वहीं 62 लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर सरकार ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों में फंसे जम्मू कश्मीर के 1200 के लगभग दिहाड़ीदार मजदूर लाए वापस। लखनपुर में किया गया क्वारंटाइन। आगे भी जारी रहेगा लाने का सिलसिला। सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने दी जानकारी। डोगरा क्रांति दल के चीफ और पूर्व MLA बलवंत सिंह मनकोटिया ने उधमपुर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया 3रा सैनिटाइजेशन टनल।